ले चलते हैं आपको मथुरा की ओर, जहां प्रतिबंधित क्षेत्रों में किया जा रहा है मांस का विक्रय, जिसकी सूचना मिलने पर गौरक्षा दल पहुंचा मौके पर, जिनके साथ की गई मारपीट एवं जानलेवा हमला। मथुरा जनपद के प्रतिबंधित क्षेत्रों में मांस का कारोबार चोरी छिपे किया जा रहा है, जिसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर हिंदूवादी गौरक्षक दल के सदस्यों द्वारा मेवाती मोहल्ले में गाय मांस काटने की सूचना पर उनको रोकने गए इस गौरक्षक दल के सदस्यों पर पथराव की जानकारी आ रही है। मौके पर पुलिस को सूचना देने के बाद भी करीब आधे घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे पथराव व मारपीट में घायल हुए करीब आधा दर्जन गौरक्षकों को पुलिस ने बमुश्किल निकाला, साथ ही इस मामले में विधिक कार्यवाही की बात कही। घटना के बाद गौरक्षक दल के सदस्यों ने थाना कोतवाली का घेराव किया। उनका आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची, इसके कारण उनकी सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग की गई। अब देखना यह होगा कि इस मामले में इतनी कठोर कार्यवाही अमल की जाती है। प्रशासन लेट आने की वजह से सब काम ये हुआ। अच्छा, आधा घंटे बाद प्रशासन वहाँ आया। लगभग कितने लोग घायल हुए हैं इस घटना में? दो अभी हॉस्पिटल एडमिट है। तो अब ये आप क्या अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं? कार्रवाई वो तो हो रही है, साथ में ज्यादा बोल नहीं सकता। चुनाव सरकार 10 तारीख के बाद जो भी जवाब देंगे सही तरीके से जवाब देंगे, चाहे मरना पड़े या मानना पड़े, हम जी गौ माता को नहीं कटने देंगे। आपकी अग्रिम भूमिका क्या रहेगी? धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, जो हमें न्याय मिलना चाहिए। गाय को हमारे हिंदू परंपरा में गाय को मां का दर्जा दिया, इसको जीते जी नहीं कटने देंगे। कितना भी फिर कट जाए पर गाय को नहीं कटने देंगे।